सो आइए बेटा, तो पेप्सी बेटे कैपेसिटी कैपेसिटर की कैलकुलेट करनी विद द कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड देन एनर्जी डेंसिटी, ये हमारा छोटा सा टॉपिक का है डिस्कशन, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये आपके पास बेटे पहले कंडक्टिंग स्लैब, आई विल नॉट बी स्पीकिंग होली सोली, आप मेरे साथ साथ करेंगे, हम इकट्ठे ये सारा सॉल्व करेंगे, मिलके करेंगे, तो आप अपना माइंड जरा ओपन रखिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा। आपके पास ये एक बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसकी दोनों प्लेट्स आपको दे रखी हैं पैरेलल टू ईच अदर, इसमें सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है स्मॉल डी के बराबर आप जनरली रखते हैं, आप इतना करते आए हो। इसके बाद आपने इसके मिडल में इंटीरियर में एक कंडक्टिंग स्लैब बच्चों प्लेस किया, इसका थिकनेस जो है ये वाला स्मॉल टी के बराबर आपने ज्यूम किया, ये वाली प्लेट को आपने पॉजिटिव और ये वाली प्लेट को आपने बच्चों नेगेटिव चार्ज दे दिया, इक्वल नेगेटिव चार्ज। इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये ई नॉट आप कहते हो, बहुत बढ़िया, और जो आपका ई नॉट है ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है जी। आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में V के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। आपके आइदर प्लेट के ऊपर चार्ज Q के बराबर का है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस एरिया इसका कैपिटल A आपने कह दिया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रिलेटेड है, आपने कहीं किया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसा हमने बिगनिंग में किया था, मैं इसको हटा देता हूं, तो ये आपका D के बराबर है, दोनों के बीच में सेपरेशन मैग्नीट्यूड अगर ले लूं तो ये आ जाएगा आपका V जो है, क्योंकि फील्ड E नॉट है, E नॉट इंटू D किया जा सकता है, हाँ 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 डी, सुनिए सुनिए फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। आपने पोटेंशियल दोनों प्लेट्स के बीच में डीवी आपका वी के बराबर कह दिया ऑलरेडी, डी आर आपका स्मॉल डी के बराबर है प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, जब आपका प्लेट इंसर्टेड नहीं है, और आपने मैग्नीट्यूड की बात की है सिर्फ, साइन छोड़ दिया आपने, इट इज इक्वल टू वी अपॉन डी आ गया, वी इज इक्वल टू ई इनटू डी है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, जब आप कंडक्टर का बना हुआ स्लैब रख देते हो, कंडक्टर मे बी ऑफ कॉपर मे बी ऑफ सिल्वर मे बी ऑफ आयरन मे बी ऑफ एनी अदर गुड मेटल, उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रादर, वो गुड़िया फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पता है बताइए, हाँ जी समझिएगा सोचिएगा पढ़िएगा ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव चार्जेस को इसने पुल कर लिया अपनी तरफ, इस प्लेट ने पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिवली चार्ज प्लेट ने अपनी तरफ पुल कर लिया, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बच्चों जीरो हो गया, कंडक्टर के अंदर कह रहा हूं, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है ये, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग यस। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि मेरा ये वाला इक्वेशन जो है ये आ जाएगा V इज इक्वल टू E नॉट, सिर्फ इतने हिस्से में फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इतने में और इतने में, बाकी पार्ट में तो है ही नहीं है। अरे ऐसा है पुत्र जी, सो
आइए देखें आगे। नहीं, मैंने नहीं कहा कभी। सो वी आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। बेटे सिग्मा किसके बराबर लिखें पुत्र जी? सिग्मा, हाँ जी हाँ जी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। हाँ बेटे, टोटल सेपरेशन डी था, इतने हिस्से में नहीं है तो बाकी ये बच गया डी माइनस टी। ठीक है, आपका सिग्मा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया डियर चिल्ड्रन होता है, तो आप वी को लिखोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इनटू डी माइनस टी लिख देंगे जी। और सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, आप ऑलरेडी जानते हो कैपेसिटर के केस में। हाँ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, सी क्यू अपॉन क्यू डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा जी। ये कट गया, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को थोड़ा सा। टर्म्स को रीअरेंज करने पे आपके पास देखिए आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अपना है? इस वी की वैल्यू यहां पुट कर दी फॉर्मूला में। चलें आगे। नहीं, डेरिवेशन नहीं आनी, बट आपको इसका न्यूमेरिकल आना है पेपर में, तो अगर बीच में से कहीं और जरूरत पड़ गई फिर पता नहीं ना होता। सी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी माइनस टी आ गया। कल है अभी, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी आपने कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, वन माइनस टी बाई डी आ गया। ये चीज आपको कहीं देखी देखी लग रही है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इट इज। हाँ, वो क्या राधिका, ये किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखा देखा, इसीलिए पूछ रहा हूं, देखा देखा लग रहा है आपको। इट इज किसके? वो क्या होता है? ना ना ना, स्टैंड अप। देखा देखा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन याद नहीं आ रहा ना। ना 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 ना, नो आप मिडल में, यस इन एयर, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज द मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स, एयर कैपेसिटर के लिए। सो सी विल बी इक्वल टू सी नॉट अपॉन वन माइनस टी बाई डी। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, ये फ्रैक्शन वन में से माइनस हो रही है, डिनोमिनेटर आपका वन से छोटा पड़ गया, इसका मतलब है सी जो है इट इज मोर देन सी नॉट आ गया। इसका स्पेशल केस आपको बहुत बार पेपर में पूछते हैं, वो कहेंगे कि आपने एक ऐसा प्लेट इंसर्ट किया है कंडक्टिंग, जिसकी थिकनेस कैपेसिटर के प्लेट्स के सेपरेशन के बराबर है, T अगर D के बराबर हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन? T अपॉन D आपका आ जाएगा D अपॉन D, इट विल बी वन, C विल बी C नॉट अपॉन वन माइनस वन, C विल बी C नॉट अपॉन जीरो, C विल बिकम इनफाइनाइट। E नहीं, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दो, E को प्रेजेंटली, C का इनफाइनाइट हो जाना बच्चों क्या इंडिकेट करता है? उसका क्या मतलब है? हाँ, और करंट इसका मतलब याद रखिएगा यार, आपका कैपेसिटर जो है एक प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया है, आप ऐसे कह सकते हैं।
स्टेडी करंट है कि जो करंट आपका फ्लो कर रहा है एज सच। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या आप कहना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ मैं वो ही कह रहा हूँ बेटा कि जब आपकी ये वाली प्लेट्स टच कर जाएंगी तो ये पूरा मेटल का ब्लॉक ही बन गया, तो ये एक कंडक्टर ही बन गया और आपका कैपेसिटर जो है दैट विल स्टार्ट बिहेविंग जस्ट लाइक ए कंडक्टर, राइट? सो इन दिस केस बेटा आपका जो कैपेसिटर है इट सिंपली भूमिका कैपेसिटर, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए प्योर कंडक्टर व्हेन आपके जो प्लेट्स का सेपरेशन है उसके बराबर का स्लैब का कंडक्टिंग स्लैब का साइज उसके बराबर का जब हो जाता है तब। इसके बाद कंडक्टिंग स्लैब की जगह पर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे। आइए ब्रीफली इसको भी देखें। जब आप लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब केस नाउ बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आइए देखें बेटा आपके पास अगेन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अदर और ये आपका डाइइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा, पॉजिटिव चार्जेस आपने और नेगेटिव चार्जेस आपने प्लेट्स को सप्लाई कर रखे हैं। ये फील्ड आपका ई नॉट के बराबर का है जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है आपका, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस पे पोलराइजेशन चार्जेस डिवेलप हो जाएंगे और यहाँ पे चार्ज आपका क्यू है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया ए है, यहाँ पे चार्ज आपका क्यू पोलराइजेशन आ जाएगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस आ जाएगी, एरिया की मैं बात नहीं करता। ये मान लो टी के बराबर है और ये सेपरेशन आपका डी के बराबर आपने इमेजिन किया, राइट? अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंटीरियर में आपका फील्ड बच्चों जीरो नहीं है, ये फील्ड आपका बेटे ई के बराबर है, ई के बराबर है और ई आपका बेटे ई नॉट माइनस ई पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन चार्ज जिसकी वजह से फील्ड कितना होगा डियर चिल्ड्रन, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो ये इधर को नेट फील्ड कितना बन गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पोलराइजेशन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जरूरत नहीं प्रेजेंटली हमें, वैसे ही आपके नॉलेज के लिए ई नॉट बाई के, हाँ वी विल बी यूजिंग दैट टर्म, हाँ 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 कह सकते हो आप। सो आपका दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल राधिका पोटेंशियल डिफरेंस बी के बराबर है, ये आपका E नॉट फील्ड इतने हिस्से में एग्जिस्ट किया, इट इज D माइनस T और E फील्ड ये वाला फील्ड आपका कितने हिस्से में है, इतने हिस्से में, आप ऐसे लिख सकते हो T पार्ट में E फील्ड है ना, दोनों का रिजल्टेंट एंटी पैरेलल है एक दूसरे के दोनों, और आप जानते हैं आपका E जो है E नॉट बाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K के बराबर हुआ करता है because E not by E is equal to K, आप already पढ़ चुके हो, put कर दो यहाँ पे, आपके पास B आ जाएगा E not D minus T plus बेटे E not upon K आएगा, E not can be taken wholly solely common, it is E not है, अच्छा T रह गया, E not D minus T plus T अपॉन के आ गया जी, कर देते हैं अभी कर देते हैं, चलिए आप जैसे कह रहे हो ई नॉट को मैंने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, बी को कुछ नहीं कहा हमने, टी यहां से कॉमन ले लिया,
वन प्लस यस वन माइनस वन बाई के इट कैन बी एडजस्टेड लाइक दिस। अब आप क्या करिए सिग्मा की वैल्यू भी डाल दीजिए यस इट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए और ये आपके पास इन द ब्रैकेट ये चीज आपके पास बच्चों पड़ी है ठीक है जी। सी आपका जो है क्यू अपॉन बी हुआ करता है ये पुट किया करते हैं ना हम बेटा। सो आइए सब्स्टिट्यूट कर दें सी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के बराबर आ गया क्यू आपका गेटिंग कैंसल्ड राइट सी आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन बच्चों देखिएगा ध्यान से यहां से मैं डी कॉमन ले लू डी डी ले सकता हूं ना ऐसे इज इट जस्टिफाइड चेक करिएगा ये चीज आपको कहीं देखी देखी लग रही है यस सी नॉट एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी सी इट इज सी नॉट भव्या वन माइनस टी बाई डी वन माइनस वन बाई के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा वन में से इतनी चीज माइनस हुई पड़ी है छोटी है इसका मतलब है डिनोमिनेटर वन से कम हो गया और आप नहीं निगलेक्ट नहीं करना अभी आपका जो ये सी है ये सी इज नॉट से बड़ा हो गया कैपेसिटी इंप्रूव हो गई बढ़ गई। हाँ जी इससे भी जरूरी एक और बात है आपका अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस बिल्कुल प्लेट्स के थिकनेस के बराबर हो जाए इफ टी इज इक्वल टू डी हो जाए यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सी इज सी नॉट अपॉन वन माइनस डी अपॉन डी वन माइनस वन बाई के ये वन आ गया सी इट इज सी नॉट अपॉन वन माइनस वन प्लस वन बाई के खत्म हो गया ये सी इज इक्वल टू के टाइम सी नॉट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के टाइम्स कैपेसिटी ऑफ द एयर कैपेसिटर एयर कोर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको आपके कैपेसिटर की कैपेसिटी बच्चों मिल जाएगी राइट बेटा। दोनों के स्पेशल केसेस क्लियर हैं आपको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ओके। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है लास्ट कंसेप्ट है भव्या ध्यान देंगे जरा इधर हमारा एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट रह गया छोटा सा लेट अस कंसंट्रेट भव्या बेटी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या है कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के लिए भव्या फॉर्मूला क्या है हाफ एनर्जी डेंसिटी के लिए चलिए दो मिनट देख लीजिएगा बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी भी निकालेंगे प्रेजेंटली एक हाँ जी एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यस आपके पास पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर आपको दिया हुआ है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनके इनको आपने एक चार्जर से बच्चों कनेक्ट किया, चार्जर आपने लगा रखा है और आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वी के बराबर का है। बच्चों अगर ये प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है ना। आपने आपका चार्जर क्या काम करता है, आपका चार्जर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर इधर शिफ्ट करता रहता है, इसको और ज्यादा पॉजिटिव करता है, इसको और ज्यादा नेगेटिव कर देता है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए। मान लीजिए डी क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया है और आप जानते हैं वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपने कहीं डेफिनेशन ये पढ़ा हुआ है। डी डब्ल्यू आपका यहाँ पे वर्क डन बाय द चार्जर बी इंटू डी क्यू के बराबर आ जाएगा। इसको मैं इधर ले आया, आपका चार्ज डी क्यू है, छोटा सा चार्ज है और डी डब्ल्यू आ गया सी आपका क्यू अपॉन वी और वी आपका क्यू अपॉन सी, इट इज क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू कर दें जी, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रल डी डब्ल्यू का आपको टोटल वर्क डन दे देगा और ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एनर्जी को ई लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू एंड इट विल बी वन बाई टू एंड क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा। और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ई जो है, अगर आप टोटल चार्ज क्यू मान लेते हो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी के बराबर आपको मिल गया। आप इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और भी बना सकते हैं, सी की और क्यू की वैल्यूज डिफरेंटली पुट करके आपको अलग अलग वैल्यूज बच्चों मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा और फोकस करिएगा, आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड थे, एनर्जी डेंसिटी आप यू ई बार से लिखते हो, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी और वॉल्यूम आपका वी के बराबर का है, वॉल्यूम बीटे सी आपका क्यू अपॉन बी और क्यू आपका सी इंटू बी है। इसमें मैं क्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पहले थोड़ा इसको एक्सप्रेशन को ठीक कर लें। एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी इंटू वॉल्यूम, एक सी कट गया, ये आ गया वन बाई टू सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आ गया। राधिका सी की वैल्यू लिखवाओ कितनी होती है, नहीं नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इट इज, यस 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 वेरी गुड बेटे वेरी गुड, इट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, सी की वैल्यू मैंने लिख दी टू, ऐसे ही पढ़ा है रहने दिया इसको। और बी भव्या आपको बोलने को ही कह रहा हूं मैं, बी किसके बराबर है, बी क्यू नहीं 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 सी को तो हम अदरवाइज लिख रहे हैं, ना 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 पुत्र आप बी को क्या लिखूं मैं, ई बाई गुड बी और डी और ई ऐसे रिलेटेड हैं, है ना, और आपका वी जो है ई इंटू डी के बराबर आ गया।
पुट कर दीजिए, ये आ गया 1/2 सी ई का स्क्वायर इसको यहां पुट कर रहे थे हम, बी आ गया ई का स्क्वायर डी का स्क्वायर। बेटा वॉल्यूम किसके बराबर देखें इसका कैपेसिटर का, वॉल्यूम हाँ 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 बी कितना है, आपने बी को डी नहीं कहा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को, हाँ 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 और एरिया इंटू डी कह देंगे ना, यस एरिया इंटू डी, एरिया कट गया एक डी भी कट गया और आपका एनर्जी डेंसिटी बन गया 1/2 एक ये भी डी कट गया ना, ये भी नहीं बचा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर बन गया, याद रखिएगा। इससे पहले कि हम आगे चलें, समझ गया आपकी बात में, इसका काउंटर पार्ट अदिति अंकिता सॉरी बेटे, हमने एक हमने किया था इंडक्टर, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, आप एल आई स्क्वायर एल आई नॉट भी कभी कभी आप लिखते थे, थोड़ा सा देखिएगा कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूं मैं, कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर में हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, यहां पे एनर्जी डेंसिटी कितनी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी याद है कहां, बी स्क्वायर अपॉन अ लिटिल बिट चेंज इज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा कुछ एड या सब्ट्रैक्ट करिए, और भव्या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या बना, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ठीक है आप उठ जाइए, यस एल सी ऑसिलेशंस को फटाफट एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट आर एल सी ऑसिलेशंस क्विकली, तो अब आपने पढ़ लिया सारा, इसका मतलब ये थोड़ी कि एसी वाले चैप्टर में जाना नहीं हमने, आपको दोनों चीजें कंपैरेटिवली बता दी हैं, तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है फिर कोई है, एक आपका कैपेसिटर है ये, इसके साथ इंडक्टर जोड़ दिया ऐसे, तो इसमें एलसी ऑसिलेशंस बनती हैं, वही पूछ रहा हूं आपसे मैं बच्चे, एलसी ऑसिलेशंस क्या होती हैं ये पूछ रहा हूं, अब सुनिएगा ध्यान से सारे स्टूडेंट्स, आपका फुली चार्ज्ड कैपेसिटर एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, पहले सुन लो बात, आपका फुली चार्ज्ड कैपेसिटर इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया एज शोन इन द डायग्राम, अब आपका कैपेसिटर इसमें इतनी एनर्जी है, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, इंडक्टर में उसके बराबर की मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी कम हो रही है, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी बिल्डअप हो रही है, जब इसकी सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो कैपेसिटर विल बी कंप्लीटली डिस्चार्ज, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फुली स्टोर हो जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा,
एनर्जी आपकी, समझिएगा, कभी मैग्नेटिक कभी कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक टॉगल करेगी। कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में, इंडक्टर की कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक, ऐसे करती रहेगी। और क्योंकि कनेक्शन लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े एनर्जी के लॉसेस भी होंगे, और आपकी यही एनर्जी ट्रांसफरेंस से हो रही है। इस ट्रांसफरेंस की वजह से आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाया करता है। एम्पलीट्यूड आप इधर ले लोगे, ये आपकी एलसी ऑसिलेशंस ऐसी बन जाएंगी, ऐसे इधर टाइम, इधर आपका एम्पलीट्यूड आ गया। और अगर जितना लॉस हो रहा है, दैट लॉस इज बीइंग कंपेंसेटेड एट एवरी स्टेप, तो आपका ये डैम्ड है, अनडैम्ड ऑसिलेशंस आपको मिल जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। इसमें आप अपनी जितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, उतनी एनर्जी बार 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 स्टेप बाय स्टेप दे रहे हो बेटा। सो इसके साथ बेटे मेरी तरफ से ये वाला आपका चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज्ड है। आई होप कि आपको भी अच्छे से पता चल गया होगा। कोई भी आपकी और भी बात हो तो आप नोट कर लीजिएगा, वी विल डिस्कस। सो कल आपको हॉलीडे है, हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। अपना है? नहीं है, चलो ठीक है बेटा, आई डोंट नो। सो थैंक यू बेटा, हैप्पी दशहरा टू यू ऑल।